आज के समय में महिला सशक्तिकरण देशव्यापी मुद्दा बन चुका है। महिला सशक्तिकरण के लिए देश में क्या हुआ या फिर कौन क्या कर रहा है, इस पर चर्चाएं आम हो चली है। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी की रहने वाली अंजलि सेमवाल भी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं, साथ ही एक समाज सेवी के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। देहरादून के एमकेपी कॉलेज से बीए कर चुकी अंजलि कॉलेज में दाखिला लेते ही एक तरह से समाज सेवा के कार्यों में जुड़ गई थी। छात्रों की समस्याओं को जानने का मौका मिला तो अगस्त 2010 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता ले ली और कई कार्यक्रमों से जुड़ती चली गई। अंजलि साल 2012-13 में एमकेपी कॉलेज में छात्र संघ की निर्विरोध उपाध्यक्ष भी चुन ली गई। इसके बाद अंजलि ने छात्र हित के मुद्दों को लेकर समाज में कई तरह की गतिविधियों में भागीदारी शुरू कर दी। इसी बीच अंजलि जनजागरण अभियान समिति से जुड़ी और शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक जागरूकता के लिए कई अभियानों को चलाने लगी। अंजलि बताती है कि उनका लक्ष्य सिविल सेवा के जरिए देश की सेवा करना था, लेकिन अब उन्होंने राजनीति को अपना करियर चुन लिया। अंजलि महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काफी गंभीर है। एक परिचित महिला के घरेलू उत्पीड़न मामले में भी अंजलि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिला आयोग की मदद से महिला को इंसाफ भी दिलाया। अंजलि का कहना कि समाज को बदलने के लिए और समाज में सुधार लाने के लिए एकमात्र जरिया शिक्षा ही है, जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अंजलि सेमवाल ने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर करने के बाद 3 साल तक अध्यापन का कार्य भी किया। अक्टूबर 2018 में एबीवीपी के बैनर तले प्रांत सहायक छात्रा प्रमुख की जिम्मेदारी भी मिली और प्रदेश में मिशन साहसी के नाम से करीब 10,000 छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दिलवाई। जब देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था तो उस दौरान भी अंजलि ने अलग अलग जगहों पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए। अंजलि मलिन बस्तियों और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए भी लगातार काम करती रहती हैं। अंजलि प्री पीएचडी स्कॉलर हैं और उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषय पर शोध कर रही हैं। अंजलि का कहना कि समाज में युवाओं को अपनी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रखनी चाहिए। संवाद 365 के लिए काजल की रिपोर्ट।